यस तो बच्चों आज की हेडिंग लेते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के साथ बच्चों हम लोग बेसिकली बात करेंगे साइज को लेकर, ठीक है। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपकी तीन कैटेगरीज देखने को मिल सकती है। या तो बच्चों आपका न्यूट्रल कंपाउंड होगा या न्यूट्रल एटम होगा, ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कैटायन हो, या फिर बच्चों एनाइंस के बारे में पूछ सकता है, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के भी पूछ सकता है, ठीक है। या तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के पूछेगा, या बच्चों सिर्फ न्यूट्रल कंपाउंड्स या फिर एटम दे सकता है, ठीक है, एटम्स या फिर कंपाउंड्स। लेकिन ये जो सीरीज सीक्वेंस दे सकता है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें बेसिकली बच्चों सब कुछ साइज से रिलेटेड होगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे आपके कैटाइंस हो सकते हैं, एनाइंस हो सकते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो एक ऐसी सीरीज या ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे बच्चों सेम या फिर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब जैसे कैटाइंस है, एनायंस है, ठीक है, या न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं या फिर एटम्स हैं, तो इनका जो इस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों प्रीवियस ईयर के अंदर अगर आप पेपर उठा के देखो तो AIE EEE के क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ से पूछे गए। बेटा जो आपका नीट का एग्जाम होता है मेडिकल के बच्चों का, वहां पे भी क्वेश्चंस आता है, JEE मेंस के अंदर भी क्वेश्चंस आता है, CET के अंदर तो बेटा डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बना है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान होगा। तो पहले आपने समझा यहाँ पे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, अपन क्वेश्चन करेंगे भी ना, सबको समझ में आएगा, क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात। तो बच्चों यहाँ पे ना एक अपन एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान देना। यहाँ बच्चों लिया है मैंने कोई सिक्वेंस लेता हूँ, कार्बन -4 चार्ज, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन -1, नेक्स्ट इज नियोन, इसके बाद लिया मैंने यहाँ से सोडियम +, नेक्स्ट बच्चों मैग्नीशियम +2, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम +3, नेक्स्ट इज सिलिकॉन +4। ध्यान देना बच्चों प्लीज, है ना, आपको अच्छे से समझ में एक बार में ही आ जाएगा। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैटाइंस एनाइंस प्लस न्यूट्रल जो नियॉन दिख रहा है ये मैंने कुछ कॉम्बिनेशन लिया है इस तरीके से, और यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन वही है साइज को लेके, ठीक है, कि एग्जैक्टली हमारा साइज का ऑर्डर क्या बनेगा। तो जब भी बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा क्या ये स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो ध्यान है कि भाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इक्वल होंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉन्स, मुझे बताओ, चलो इनके पहले एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया बैठेगा। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। तो कार्बन का बच्चों कितना एटॉमिक नंबर होता है 6, न्यूट्रॉन कितना होता है बताइए 7, ऑक्सीजन कितना होता है 8, कंटिन्यूस 9, नियॉन का 10, नेक्स्ट बच्चों 11, 12, 13 एंड 14, सभी क्लियर है। तो जो बेटा एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर इलेक्ट्रॉन्स होगा। और बेटा आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं किसी भी एक न्यूट्रल एटम के द्वारा, तो कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो देखो ये आपके यहां से लेके कार्बन से लेके और बच्चों यहां तक ध्यान से फोकस करो, ये सारे के सारे जो बच्चों आपके एलिमेंट्स जो एटम दे रखे हैं वो आपके एनाइंस हैं, मतलब वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। नियोन आपका न्यूट्रल है और उसके बाद के सारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है ना, ये कैटाइंस है।
तो एनाइंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, तो कार्बन ने बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, 4। एग्जैक्टली उसके पास कितने न्यूट्रल स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, तो 4 एक्सेप्ट किए, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, जरा बताइए मुझे, C-4 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन पे -3 है, 7 बच्चों पहले थे, 3 ले लिए, तो अभी 10 हो गया। ऑक्सीजन का 8 था, दो बच्चा लिया एक्सेप्ट किए हैं, तो आपका 10 हो गया। फ्लोरीन के पास 9 थे, 1 लिया है, तो ये 10 हो गया, इसकी 10 रहेंगे, कोई चेंज ही नहीं है, ना दे रहा है ना ले रहा है नियॉन। नेक्स्ट आपका सोडियम के पास 11 थे, चला गया, तो 10। मैग्नीशियम के पास 12 थे बच्चों, है ना, एटॉमिक नंबर के इक्वल, 2 चले गए, तो आपके 10। यहाँ पे आपके 3 जाएंगे, तो आपका ये 10, और यहाँ पे 10। आपने बिल्कुल अच्छे से समझा यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों दिख रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, सेम है। देखो किसी भी कैटाइंस, देखो किसी भी अनाइंस या न्यूट्रल पे देखो, सब जगह इलेक्ट्रॉन्स 10 है। इस टाइप के जो स्पीसीज आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चों कैसे होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कैसे होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और अब बच्चों इसका हम लोग अगर साइज निकालें, तो साइज का ऑर्डर क्या बैठेगा, यस कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक को लेके, तो बिल्कुल बच्चों हम लोग वही फोकस करेंगे, जेड इफेक्टो, किससे फोकस करेंगे, जेड इफेक्टो पे। जेड इफेक्टो का मतलब बेटा वही है इफेक्टो न्यूक्लियर चार्ज, और ये इफेक्टो न्यूक्लियर चार्ज बच्चों प्रोटॉन्स को रिलेट करता है, और प्रोटॉन्स बच्चों क्या करते हैं, आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए पॉपुलर है, ठीक है। जहां पे जितना ज्यादा जेड इफेक्टो होगा, जितना ज्यादा जेड इफेक्टो होगा, वहां पे साइज बच्चों क्या होगा, उतना ही कैसा होगा, छोटा होगा, चाहे वो कैटाइंस हो चाहे वो एनाइंस हो। ये आपकी यूनिवर्सल ट्रिक है, इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक। अच्छा तो मुझे बताओ यहाँ पे कार्बन के पास बच्चों कितने आपके यहाँ पे प्रोटॉन्स होंगे, ऑब्वियसली 6 होंगे, 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन के साथ, 8 प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स मान लो ऊपर वाले नीचे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, प्रोटॉन्स इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, 9, 10 के साथ शेयर है, 10, 10 के साथ है, 11 यहाँ प्रोटॉन डोमिनेट कर रहा है, प्रोटॉन डोमिनेट करेगा तो जेड इफेक्टो बढ़ेगा, कॉमन सी सेंस है बेटा, तो वहां पे साइज ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। यहाँ देखो 12 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये बात समझ में आती है बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, बताओ जरा, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ बेटा देखने को मिलेगा, सिलिकॉन जो आपका है +4 के साथ, सभी को समझ में आ रहा है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको वही दिखेगा। तो नाउ कम्स कि यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, व्हाट इज द राइट ऑर्डर, यस बच्चों करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ भी साइज का, आपको आ गया होगा, आप लोगों ने कोशिश भी कर ली होगी। हाँ, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, ये, उसके बाद ये सिक्वेंस आना चाहिए, आप चेक करो, देखो सबसे ज्यादा जेड इफेक्टो कहाँ होगा, इसके साथ, सिलिकॉन +4 के साथ, और जहां पे जेड इफेक्टो का मतलब वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो साइज बच्चों वहां पे सबसे छोटा होगा, बिकॉज वहां प्रोटॉन्स क्या है, सबसे ज्यादा है, इसे न्यूक्लियर चार्ज वहां पे सबसे मैक्सिमम होगा। सभी को समझ में आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे, आप लोग कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, तो हम इसको फाइनली क्या बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे मैं जेड के साथ रिलेट कर सकता हूँ, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, आप इसको ऐसे ही रिलेट कर लो, जेड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी साइज उतना छोटा होगा, ठीक है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जेड मतलब एटॉमिक नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आप उसको प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ रिलेट कर लो, तो भी आंसर बन जाएगा, है ना। तो कुछ बॉक्स में जेड के साथ रिलेशन किया है, बहुत जगह जेड इफेक्ट को बोला है, तो आप किस तरीके से रिलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आपका बन जाएगा। सभी को बात समझ में आ गई, हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, फ्लोरीन पे -1, बताओ सीक्वेंस क्या होगा साइज का, साइज का जो ऑर्डर क्या होगा, इसको आप फर्स्ट मान लो, ये सेकंड है, ये थर्ड है ना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज। सेकंड में आपको देता हूँ सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2 एंड एल्युमिनियम +3, इसके साथ बच्चों साइज का ऑर्डर क्या होगा, 1, 2, 3, ठीक है।
यस बताओ बच्चों जल्दी से, जो अभी पढ़ाए थे मेरे है ना उसी से ही सॉल्व करना। यस नेक्स्ट मैं आपको और देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पे पोटेशियम प्लस कैल्शियम प्लस टू, क्लोरीन माइनस वन, सल्फर माइनस टू, फॉस्फोरस माइनस टू। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा ना, पहला पॉइंट तो बच्चों वही है कि आइस इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आइस इलेक्ट्रॉनिक है तो बिल्कुल बच्चों हम फॉलो कर लेंगे जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बिल्कुल जहां पे प्रोटॉन डोमिनेट करेंगे साइज छोटा होगा। बताओ क्या आंसर आएगा। तो देखो फर्स्ट वाली का आंसर बच्चों आसान था, इसमें देखो नाइट्रोजन के पास माइनस थ्री है। आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे जो जेड होगा ना इसके साथ जो जेड होगा वो आपका सेवन होगा, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए हैं तो टेन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा भी था यहाँ पे अच्छे से टेन इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली प्रोटॉन्स यहाँ काफी कम है, ठीक है, सेवन ही है, इलेक्ट्रॉन्स टेन हो गए। अच्छा ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, ऑक्साइड माइनस टू जो लिखा है इसके पास बेटा कितने होते हैं जेड की वैल्यू, मतलब प्रोटॉन्स आपके हो गए एक, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ऑब्वियसली बढ़ने वाले हैं वो टेन हो जाएंगे, ठीक है। क्लोरीन के साथ बात करते हैं तो कितना होगा, नाइन आपके यहाँ पे एटॉमिक नंबर वही आपका प्रोटॉन्स, बट आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे तो नाइन प्लस वन आपके टेन। तो हमें समझ में आया कि जो नाइट्राइड है एन के पास माइनस थ्री चार्ज है, ऑक्साइड है ऑक्सीजन पे माइनस टू चार्ज है, फ्लोराइड है, इन सबके पास बच्चों प्रेजेंट है इक्वल टेन 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 इलेक्ट्रॉन्स, बट प्रोटॉन्स सब बेटा कहाँ पे ज्यादा है, बस वहां से आंसर निकालना है। तो प्रोटॉन्स कहाँ पे ज्यादा है बताओ सभी लोग। यस सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स बच्चों कहाँ मिल रहे हैं, वो आपको फ्लोरीन के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। और आप इसको सीधा भी सॉल्व कर सकते थे डायरेक्ट भी कि जेड कहाँ पे ज्यादा है, तो जेड तो आपको पता है कि फ्लोरीन के साथ ही ज्यादा है, ठीक है, तो साइज वहां पे आपका छोटा होगा। मैंने पढ़ा था कि जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना तो पड़ेगा तभी समझ में आएगा, है ना। तो सबसे छोटा साइज हो जाएगा इसका, ये सीक्वेंस आपका बैठेगा, ठीक है। जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहां पे रिपल्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो साइज सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट बच्चों यस बिल्कुल सही, सोडियम मैग्नीशियम और आपका एल्यूमिनियम, सोडियम के पास बच्चों कितना होगा जेड कितना होगा, प्रोटॉन्स 11 होगा। मैग्नीशियम के पास जेड कितना होगा, मतलब वही प्रोटॉन्स 12 होगा। एल्यूमिनियम के पास कितना होगा, 13। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये सिक्वेंस एक साथ बता दिया था। सोडियम के साथ बच्चों बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, एक चला गया तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, दो जाएंगे तो यहाँ भी 10, थ्री जाएंगे तो यहाँ भी 10। दीज आर आइस इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इफ इट आइस इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो बच्चों बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको आंसर कि हमारे प्रोटॉन्स डोमिनेट कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। तो वैसे तो यहाँ पे हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट भी फॉलो करते हैं, वो जेड बाई ई भी फॉलो करते हैं, ठीक है, उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे देखो प्रोटॉन्स कितने होंगे 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 10, यहाँ प्रोटॉन्स कितने हैं 12, यहाँ पे कितने हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 13 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके 10। तो प्रोटॉन्स कहाँ पे, जहाँ पे प्रोटॉन्स डोमिनेट करेंगे तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है, हाँ। तो एग्जैक्टली हमारा आंसर क्या होगा, सबसे छोटा साइज किसका होगा, ये सिक्वेंस होना चाहिए। देखो बेटा सभी को समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो बेटा सब जगह 10 ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आपके 10 है और सीधा आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था नीचे इसका हो जाएगा सभी ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे लिया मैंने लिथियम प्लस वन, बेरिलियम प्लस टू, साइज का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, साइज का ऑर्डर क्या होगा बताओ। यहाँ पे जेड कितना होगा 3, इसका जेड कितना होगा 4, ठीक है, यस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक चला जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 जाएगा तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज आइस इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, निकालो आंसर, एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपके यहाँ पे आप देखो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं 3, 3 के साथ 2 है, यहाँ प्रोटॉन्स ज्यादा है तो
अब जहां पे ज्यादा प्रोटॉन्स हैं ऑब्वियसली वहां पे साइज आपका क्या हो जाएगा, बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, बताओ बताओ। इसका जो फर्स्ट आंसर होगा लिथियम प्लस वन का साइज ग्रेटर बेरिलियम प्लस से, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा तो एक्सप्लेनेशन तो बच्चों बिल्कुल आसान है, वो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पहले ही बता दिया था। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है प्रोटॉन्स, और दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझ लो कि लिथियम आपका कहाँ से बिलोंग करता है, फर्स्ट ए से, जैसे वन इलेक्ट्रॉन निकालेगा है ना, तो आपको पता है लिथियम बच्चों सेकेंड पीरियड का है, जैसे निकालेगा वन इलेक्ट्रॉन तो ये कैसे बेटा बनेगा, वो आपके हीलियम की तरह बन जाएगा, आप चेक करके देख लेना वो कैसा बनेगा, हीलियम की तरह भाई एनएस आपका 2s बनने में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो कैसा बन जाएगा, वो हीलियम की तरह बन जाएगा। और हीलियम के पास बच्चों क्या होता है, वैन डेर वाल रेडियस, तो कॉमन सेंस है कि ये भी वर्क कर सकता है, जिसका साइज बच्चों क्या होगा डोमिनेंट। अब बेरिलियम बच्चों, अब ये भी एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे बहुत मजेदार है कि बेरिलियम बच्चों क्या से बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे सर ये तो सेकेंड से बिलोंग करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन से निकाल रहा है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन से निकालेगा तो पहले जब निकालेगा तो ये आपका कैसा बनेगा, इसके सामने लिथियम, ठीक है, फिर उसके बाद निकालेगा वन इलेक्ट्रॉन और निकालेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, टू इलेक्ट्रॉन निकाला तो फिर से लिथियम, तो दोनों तो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, तो दोनों का साइज तो बराबर होना चाहिए। आप बोल सकते हो कि सर यहाँ से वन निकल रहा है तो ये भी आपके यहाँ हीलियम को एक्वायर करेगा, ये भी हीलियम को एक्वायर करेगा कंफ्यूगरेशन, तो दोनों का साइज तो बराबर होना चाहिए, एक लॉजिक तो ये भी कहता है ना। नहीं 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 बेटा, यहाँ पे हमेशा आपका ना फिर ये आपको बिल्कुल फॉलो करना है कि अगर दोनों ही एटम्स कैटाइन्स हैं, एनाइन्स हैं, या फिर न्यूट्रल हैं, कुछ भी हैं, अगर वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाले केस हैं, तो यू हैव ऑलवेज फॉलो जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड इफेक्टिव के बेस पे ही आप आंसर निकालना, गलती नहीं हो सकती है। तो बहुत से बच्चे ये ऑप्शन कर सकते हैं बिकॉज दोनों हीलियम बन रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन तो कभी नहीं होगा बिकॉज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाले केस में जेड इफेक्टिव ऑलवेज डोमिनेंट। ठीक है, इसी हिसाब आपको हमेशा आंसर निकालना होगा। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको बेटा अरेंज करना है, कुछ मैं सीक्वेंस दे रहा हूँ आपको, एटॉमिक साइज की इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको अरेंज करना है। पहला क्वेश्चन दिया मैंने आई माइनस, आई प्लस एंड आई डी। ठीक है, आपको अरेंज करना है इनके सीक्वेंस को। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एच प्लस, एच माइनस एंड हाइड्रोजन, एंड थर्ड वन इज यहाँ पे है आयरन एफ ई प्लस थ्री एंड एफ ई प्लस टू, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट Cl माइनस, Cl प्लस एंड क्लोरीन। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे है नाइट्रोजन प्लस, नाइट्रोजन एंड N माइनस, दिस इज N माइनस। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है कार्बन माइनस फोर चार्ज है, ऑक्सीजन पे माइनस टू है, नाइट्रोजन पे माइनस थ्री है, क्लोरीन पे माइनस वन है। ठीक है, ऑलवेज फॉलो इफ इट इज ये बड़ा सारे के सारे अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे तो जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, वन एस अभी सॉल्व। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पीसीज ऐसे भी दे रखे हैं मैंने जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, जैसे आयोडीन वाला सेक्शन देख लो, है ना, ये सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये आयोडीन तो आपका कोई एक इंडिविजुअल एलिमेंट है ना, तो ये सेम पीरियड के एलिमेंट है ना, परफेक्ट समझ में आ रहा होगा, एक ही एलिमेंट आयोडीन, बट ये एनायनिक है, तो आपको बताया था मैंने बहुत अच्छे से कि हमेशा बच्चों अगर वही सेम एलिमेंट के साथ कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है तो आपको सिंपल सा सीक्वेंस है कि कैटाइंस का साइज सबसे छोटा होगा, एन का साइज सबसे बड़ा होगा, और बीचों बच्चों में यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार कि जो एनाइन होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा, फिर बच्चों आएगा न्यूट्रल एटम, और सबसे छोटा साइज कैटाइंस का होगा बिकॉज जेड इफेक्ट तो बच्चों कैटाइंस के पास सबसे मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस बिल्कुल सही से फॉलो करना है, ये देखो सारे के सारे एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ मैंने कॉन्सेप्ट पूछा है ना। उसके बाद देखो नीचे मैंने आपको ये भी आपका देखो सेम एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे देखो डिफरेंट एलिमेंट है ना, तो वहां पे फिर आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाना है, तो वहां भी जेड इफेक्ट को ही फॉलो करना है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं हो जाएगा, ये होमवर्क है आपका, स्क्रीन शॉट ले लो। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन भी देता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट बच्चों मैंने क्वेश्चन दिया आपको एफ माइनस वन एंड एच माइनस वन, नेक्स्ट सी एल माइनस वन एंड बी आर माइनस वन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवेशर का है ये क्वेश्चन, प्रीवेशर का है, जेई मेंस का। ठीक है बच्चों, प्लीज ध्यान से करना। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे एच माइनस वन, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन पे माइनस टू चार्ज,
और फ्लोरीन पे -1, ठीक है, इसको भी आपको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथियम +1, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया करो, ठीक है। मैग्नीशियम +2, सोडियम +1, इससे अगर कोई गलती होगी तो मैं देख पाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोरोन है, लिथियम है, सोडियम है एंड आपका बेरिलियम है। ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे से ईमानदारी सॉल्व करना है। बेरिलियम +2, देखो थ्योरी कितनी भी पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन अगर आप नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, डाउट्स नहीं पूछोगे तो फिर उस थ्योरी से कोई फायदा नहीं है। -2 और यहाँ पे सोडियम +1, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देता हूँ मैं, स्कैंडियम दे दिया मैंने एंड नेक्स्ट इज क्रोमियम, डी ब्लॉक को भी ले लेता हूँ, निकिल एंड आपका जिंक, ठीक है, हो जाएगा सभी से। और एक लास्ट क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, H- और Br-, ठीक है, इन दोनों का साइज का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, ध्यान से सॉल्व करना, बिल्कुल डेफिनेटली बनेगा, ठीक है, हो जाएगा सभी सॉल्व। तो इसके बाद मैं चलने वाला हूँ बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आइसोलेक्ट्रॉनिक क्लियर हो गया, ऐसे निकलना है हम लोगों को। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। एक बार क्वेश्चन ना एम्स के अंदर पूछा गया है, एम्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो जेईई मेंस को टच करते हैं बहुत बार, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था, फर्स्ट ए एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ए होता है एंड एस ब्लॉक का जो सेकेंड ए ग्रुप होता है ना, उनको लेके क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों को कोरिलेट किया गया था। तो एस ब्लॉक की बात करते हैं तो फर्स्ट ए बेटा कौन सा, हेडोन को छोड़ दो, उसको इंक्लूड नहीं करना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ठीक है। फ्रेंशियम को डिफाइन नहीं करना है, इंपॉर्टेंट जितना है उतने पे बात करेंगे, ठीक है। एस ब्लॉक में यही एलिमेंट कंसीडर किए जाते हैं, बिल्कुल क्लियर, जो मेटल्स हैं। उसके बाद सेकेंड ए में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉल्शियम एंड बेरियम, इनको कोरिलेट करके आंसर पूछा गया था। तो बेटा क्वेश्चन आ सकता है, अगर पीवी सर में एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है तो बिल्कुल पूछ सकता है। तो देखो इनको कोरिलेट के बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, आप क्या करो, आप यहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ से, बेरिलियम से, बेरिलियम से आओ लिथियम की तरफ, लिथियम से जाओ आप मैग्नीशियम की तरफ, समझो ध्यान से। फिर उसके बाद आप मैग्नीशियम से कहाँ जाना है आपको, सोडियम की तरफ, सोडियम से कहाँ पे आना है, कैल्शियम की तरफ। तो पहले बच्चों क्या बन गया, ई, उल्टा ई बना लेना है, ठीक है, इजी मेथड बता रहा हूँ, उल्टा ई बना लो। फिर उसके बाद बच्चों नीचे आ जाओ, कैल्शियम से सीधा स्कॉन्शियम की तरफ, कैल्शियम से सीधा नीचे स्कॉन्शियम की तरफ, स्क्वेंशियम से बच्चों सीधा बेरियम की तरफ, बेरियम से फिर जाना आपको पोटेशियम की तरफ, पोटेशियम से आना है रुबीडियम, फिर आना है सीजियम, एक आपका दूसरा बनेगा यहाँ से एन। देखो एन बन रहा है इस तरीके से, तो ई और एन, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। वैसे में यहाँ इसी को मैंने रिलेट किया है, ये एक्चुअली में ना एटोमिक साइज का ऑर्डर है, एटोमिक साइज का ई ऑर्डर है। एस ब्लॉक के साथ अगर बच्चों फर्स्ट, वैसे तो पी ब्लॉक को कनेक्ट नहीं करेगा इतना डेप्थ में, अगर कर भी लेगा तो भी आप कर पाओगे, ठीक है, उसको भी मैं क्वेश्चंस करा दूंगा अभी थोड़े से। तो अगर एस ब्लॉक के साथ क्वेश्चंस आता है तो आप प्लीज इस तरीके से फॉलो करना, ठीक है, आंसर आपका बनेगा। कोई दिक्कत होगी यहाँ पे बताओ बच्चों। तो मुझे तो सबसे बड़ा साइज कौन सा होगा, आप व्हाटएवर जो भी आपको ठीक लगता है बना लेना, उल्टा एम डब्ल्यू बनाना जो भी है। तो यहाँ पे बता रहा हूँ साइज बड़ा सबसे बड़ा किसका होगा, सीजियम का, ठीक है, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सीजियम का। तो अगर आप यहाँ पे इसको रिलेट कर पाओ, कंप्लीट सीक्वेंस जो ऑर्डर आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका होना चाहिए बेटा बेरिलियम सबसे छोटा हो जाएगा, एक सेकेंड, नॉट छोटा, सबसे बड़ा हो जाएगा, 1 सेकेंड, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा रहेगा, राइट, आपके एस ब्लॉक का यहाँ पे आपका है ना, ये एस ब्लॉक के सेकेंड का बेरिलियम, ठीक है, लेफ्ट राइट जाने पर साइज छोटा ही होता है ना, ठीक है, बेरियम सबसे छोटा। फिर कौन आएगा, लिथियम, एक बार लिथियम इससे बड़ा होगा। फिर कौन आएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा कौन दिख रहा है आपको, सोडियम, सोडियम पे आए हैं ना, यस सोडियम, सोडियम के बाद बच्चों सोडियम से बड़ा कौन आएगा, कैल्शियम,
कैल्शियम से बड़ा कौन आएगा, स्ट्रॉन्शियम, नीचे जा रहा हूँ। स्ट्रॉन्शियम के बाद बच्चों कौन आएगा, देखो ध्यान से, बेरियम। बेरियम से ऊपर बेटा फिर कहाँ पे अपन, पोटेशियम पे। पोटेशियम से बड़ा कौन, रुबिडियम। रुबिडियम से बड़ा कौन, सीज़र। अगर एस ब्लॉक के लेके बेटा क्वेश्चन आता है तो आपको प्लीज इसी सिक्वेंस को फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसी बच्चों को? यस, चलो इसके बाद मैं एक चीज और हिंट कर देता हूँ यहाँ पे कि जो जेड इफेक्ट है या बच्चों हम जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये प्रॉपरली बच्चों पीरियड के साथ ही वर्क करेगा, ठीक है। वहां पे चेंज होता है ना जेड इफेक्ट, और जो स्किनिंग इफेक्ट बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग या फिर स्किनिंग इफेक्ट, दोनों के दोनों बच्चों आपके ग्रुप के साथ वर्क करते हैं, ठीक है। यस, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन होता है कि बेटा जो मैचिंग नंबर है ना 2, 8, 8, 18, 18, 32, आप जैसे ही बच्चों नेक्स्ट पीरियड में जंप करते हो तो अचानक से बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, फिर जंप करते हो तो 8 इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा, फिर से 18 का होगा। तो जैसे ही आप हो क्या रहे हैं, आप जैसे ही नेक्स्ट पीरियड में जंप कर रहे हो एन इज इक्वल टू 1 से 2 की तरफ, ये एन इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, जैसे आप पीरियड में जंप कर रहे हो तो वहां पे अचानक से 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, 18 बढ़ रहे हैं, 32 बढ़ रहे हैं। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ बढ़ेंगे तो बच्चों इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी ना अचानक से। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी भाई, जेड तो बढ़ेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन इतने तेजी से बढ़ते हैं जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एक्सट्रीमली इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम आने पर साइज क्या होता है, डेफिनेटली इंक्रीज करता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल के बढ़ने के साथ भी हम लोग बोलते हैं। तो सेल बढ़ रही है, ठीक है, क्यों बढ़ रही है, बिकॉज रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, और रिपल्शन को भी बेटा मैंने बोला है शील्डिंग और स्क्रीनिंग के साथ, आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक, समझ में आया सभी को। अच्छा, इफेक्ट ऑन न्यूक्लियर चार्ज, पीरियड में आपको पता है कि लेफ्ट पर जाने पे वहां प्रोटॉन डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन्स डोमिनेट, बिकॉज हर एक नेक्स्ट ग्रुप में आप जंप करोगे तो हर जगह बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, बढ़ता ना 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने मैथमेटिकली निकाला था कि वहां पे आपका जेड इफेक्ट डेफिनेटली इंक्रीज करता है, और बहुत एक्सट्रीमली इंक्रीज करता है जेड इफेक्ट, जिसकी वजह साइज क्या करता है, छोटा होता है। तो ग्रुप और पीरियड को लेकर मैं डिफरेंट रीजन आपको यहाँ पे बताती है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, जरा बताना, आयोडीन और जीनोन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, ये एडवांस क्वेश्चन यहाँ से बना है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। मैंने बच्चों आपको दिया एक एलिमेंट आयोडीन, सेकंड दिया मैंने आपको जीनोन। पहला क्वेश्चन है मेरा, मोर देन वन चॉइसेस था, पहला मेरा ऑप्शन यहाँ पे है बाउंड्री वॉल रेडियस ऑफ जीनोन इज ग्रेटर, ठीक है, एज कंपेयर टू बाउंड्री वॉल रेडियस ऑफ आयोडीन, ठीक है, आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। मैं सेकंड आपसे बोलता हूँ, कोवेलेंट रेडियस ऑफ आयोडीन इज ग्रेटर कोवेलेंट रेडियस ऑफ जीनोन, ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट मैंने बच्चों बोला यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस ऑफ जीनोन, ठीक है, ये आपकी ग्रेटर है एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस ऑफ आयोडीन, ठीक है, और डी ऑप्शन यहाँ पे मोर देन वन चॉइस बिल्कुल हो सकता है ये, और डी ऑप्शन यहाँ पे है आपका कि वैन डेर वाल रेडियस ऑफ जीनोन इज इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस ऑफ आयोडीन, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आपके ऑप्शन हैं। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताओ बेटा, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आई थिंक आप लोगों से बनेगा, बताओ सभी लोग। ए ऑप्शन, कौन कौन से ऑप्शन, मोर देन वन भी हो सकते हैं, ऐसे मैंने बोला, अगर आपका ए ऑप्शन है तो आप आईआईटी एडवांस के लिए आई थिंक एलिजिबल नहीं हो सकते हो, ठीक है, आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, मोर देन वन चॉइस होता है, सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये हैबिट डालनी पड़ेगी। तो देखो बड़ा बहुत अच्छे से आपको पता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस के साथ बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको बाउंड्री वॉल रेडियस ही देखने को मिलती है, और बाउंड्री वॉल रेडियस ऑलवेज ग्रेटर, मैक्सिमम, हमेशा सबसे ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं, है ना, किसी भी आपके अदर रेडियस के कंपेरिजन में, ठीक है, तो जीनोन का जो बाउंड्री वॉल रेडियस है ना वो हमेशा अधिक होगा एज कंपेयर टू आयोडीन, कोई कंफ्यूजन नहीं।
मेरी बात समझ में आ रही है? ये आयोडीन इसने बोला है ना, तो आप ना इसको इस तरीके से, बिकॉज ये नेचुरल स्टेट में बात करते हैं तो आयोडीन के फेज में स्टेबल होता है, और आपको अच्छे से पता है कि आयोडीन आयोडीन ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका बॉन्डर बॉल ही होता है, लेकिन जीनोन का बॉन्डर बॉल सबसे अधिक होता है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ के रखनी है। इसका मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा क्या? हाँ बिल्कुल सही, बॉन्डर बॉल रेडियस जीनोन अधिक होगा आयोडीन से, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, कोवलेंट रेडियस ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कोवलेंट रेडियस क्या बच्चों आपकी ज्यादा होती है कोवलेंट रेडियस ऑफ जीनोन? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ये सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब बच्चों पेपर हुआ करता था, ठीक है, उनका एक अलग से इंजीनियरिंग का पेपर हुआ करता था, ठीक है, बीएचयू का, तो ये लोग क्वेश्चन उसमें आता था, जैसे दिल्ली जो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, जिसको हम डीसीई बोला करते थे पहले, ठीक है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत जबरदस्त कॉलेज है, इंडिया के टॉप कॉलेज में आता है, तो इसका भी पेपर अलग से बना करता था, लेकिन आजकल तो जेईई मेंस एडवांस के बीच पे सिलेक्शन होने लगा है, ठीक है। अच्छा तो अब देखो बच्चों यहाँ से ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है ना, तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हो गए। थर्ड पे आओ, थर्ड पे मैं बोला कि कोवलेंट रेडियस की तो बात हो ही नहीं सकती, कि अधिक हो तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा, सी इज रॉन्ग। डी पे आते हैं तो ये इक्वल तो हो ही नहीं सकती, खत्म कर रही है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन कॉमा बी ऑप्शन, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके सही बैठेंगे। अरे समझ में आया सभी को? यस गुड जॉब। नेक्स्ट चलो, अगर आपको लग रहा है तो मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप इसको ऐसे भी एक बार रिलेट कर लो, इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई प्रोटॉन, ई बाई पी इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई प्रोटॉन रेशियो ज्यादा, ई बाई पी रेशियो ज्यादा होगा तो साइज भी ज्यादा होगा, साइज भी ज्यादा होगा, आप इसको ऐसे भी रिलेट कर लो, है ना, ये एक बहुत ही आसान सी ट्रिक मैंने लिख दी, एक्चुअली वही है जेड इफेक्टिव के ऊपर है, ये जेड इफेक्टिव का ही लॉजिक है और कुछ भी नहीं है, इट इज वर्क फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आप इनको आइसोइलेक्ट्रॉनिक के साथ ले जाके बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपसे नहीं होगी। आईएलटी का एक क्वेश्चन है, हालांकि मैं करा चुका हूँ, एफ माइनस वन सोडियम प्लस वन मैग्नीशियम प्लस टू एन ए एल, आप इनको सॉल्व कर सकते हो, सारे के सारे बच्चों देखो यहाँ फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 9 होता है एटॉमिक नंबर, 10 होगा एक लेने के बाद, सोडियम 11 होता है, 10 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 12, दो निकल जाएंगे तो 10, एल्यूमिनियम ये कितना होता है, एल्यूमिनियम तो यहाँ 13 होता है, इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं है, अब मजा आ जाएगा, ये तीनों के तीनों तो सर आइस इलेक्ट्रॉनिक है ना, वर्डी आइस इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 13 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 ही प्रोटोन होंगे, लेकिन यहाँ समझो यहाँ पे क्या होगा, 9 प्रोटोन होंगे, प्रोटोन्स करेक्ट है ना, बिल्कुल, यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11 प्रोटॉन्स, यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने होंगे, 12 प्रोटॉन्स, अब बताओ आंसर क्या होगा, जितने ज्यादा हम दिमाग को दर्द देंगे ना उतना ज्यादा हम परफेक्ट बनेंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, तो बताओ फिर आंसर क्या बनेगा, साइज का ऑर्डर क्या आना चाहिए, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का होगा मेरे भाई, एल्यूमिनियम का साइज सबसे बड़ा होगा, क्या बात सही है, अब बताइए मुझे भाई, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन के साथ 13 प्रोटॉन है, 1-1 यूनिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ट्रांसफर होगा, यहाँ बच्चों कितने हैं 10, आपके यहाँ पे कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स आपके 12 है, तो कहने के प्रोटॉन्स विल डोमिनेंट, साइज छोटा होगा, यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइज यहाँ भी छोटा होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके 10 है, तो अब आप सोचो कि प्रोटॉन्स एक कम पड़ गया, इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो मतलब लड़ाई होगी एल्यूमिनियम और फ्लोरीन के बीच, फ्लोराइड के बीच में, अब बात समझ में आ रही है, अरे बताइए बच्चों, अब लेकिन ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि फ्लोरीन बच्चों सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, परफेक्ट, फ्लोरीन एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम सेकंड पीरियड, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये फटाक से बच्चों चला जाएगा नोबल गैस की तरह, भाई बगल में नोबल गैस का घर है उसमें चला जाएगा, उसकी तरह बन जाएगा, एल्यूमिनियम कहां से बिलोंग करता है, एल्यूमिनियम बिलोंग फ्रॉम थर्ड पीरियड, राइट, और टॉप टू बॉटम आने पे भाई फ्लोरीन तो यहाँ होगा, फ्लोरीन आपका यहाँ पे होगा इस जगह सेकंड पीरियड को फॉलो कर रहा होगा, और एल्यूमिनियम बच्चों क्या कर रहा होगा, थर्ड पीरियड को फॉलो कर रहा होगा,
तो ऑब्वियसली नीचे वाले एलिमेंट का साइज तो बड़ा ही होता है, तो डेफिनेटली फ्लोराइड और एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम हमेशा आपका बड़ा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे बताओ, ये बात क्लियर हो रही है अच्छे से? अरे बताओ बच्चों, सभी लोग। तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज किसका होगा? यस, एल्यूमिनियम सबसे बड़ा हो जाएगा, छोटा इससे छोटा कौन? फ्लोराइड। अब बाकी दो बचे हैं, इन दोनों में बताना है। तो अब इन दोनों में से बच्चों देखो, यहाँ पे 12 प्रोटॉन्स से 10 था, ये 11 प्रोटॉन्स से 10 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब आप आंसर निकाल सकते हो, जहाँ पे जेड इफेक्ट ज्यादा होगा साइज सबसे छोटा हो जाएगा, आई मीन मैग्नीशियम सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसके बाद आपका आ जाएगा सोडियम प्लस वन और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा मैग्नीशियम प्लस टू। क्या बच्चों बात समझ में आई? तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आईआईटी का ही है, ठीक है? बिल्कुल क्लियर सभी को? एनी कंफ्यूजन बच्चों? कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक बार आंसर कर दे करो। यस, नेक्स्ट बच्चों मैंने क्वेश्चन पूछा है कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सिलिकॉन। बताओ, मैं क्वेश्चन कराता हूँ पहले, आप बताओ आप कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ये फर्स्ट है, आप बताना है ऑर्डर, ठीक है? एटोमिक साइज का ऑर्डर क्या होगा? What is the order of atomic size? तो कैसे सॉल्व करना है आपको पता होना चाहिए। इन एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, पहला काम। इन एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है? तो बच्चों देखो, कार्बन की पोजीशन, नाइट्रोजन की पोजीशन, फॉस्फोरस की, एंड सोन आपका सिलिकॉन जो है, कार्बन एंड नाइट्रोजन ये कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चों? सेकेंड पीरियड से। अरे सेकेंड पीरियड से ना, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन, बताओ बेटा कार्बन के नीचे सिलिकॉन आएगा, फॉस्फोरस बच्चों नाइट्रोजन के नीचे आएगा, ठीक है? ये कहां से दोनों बिलोंग करेंगे जल्दी बताइए मुझे? एन इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूं मैं, थर्ड पीरियड से। ये कहां से हो गया आपका? एन इज इक्वल टू 2, इट इज बिलोंग फ्रॉम सेकंड पीरियड, परफेक्ट। तो बेटा थर्ड पीरियड का साइज तो हमेशा बड़ा ही होगा, आपको ये बात पता चलनी चाहिए। मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के कंपेरिजन में फॉस्फोरस सिलिकॉन का साइज हमेशा बड़ा होगा, ये बिल्कुल फिक्स है, बिकॉज वो नीचे वो आपके थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, तो प्रोटॉन साइज बढ़ता ही है, खत्म कहानी। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इंडिविजुअल बात कर लो कि इन दोनों के साथ क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में साइज किसका बड़ा हो, बताओ जल्दी से बड़ा, इसका साइज बड़ा होना चाहिए। यस यस, आंसर भी आ गया प्रथमेश का। यस यस, देखो कुछ बच्चों ने आंसर निकाला है। यस, नाइट्रोजन सबसे छोटा हो गया होगा, मैं इसको रिवर्स करके लिख देता हूँ, ठीक है? आंसर लिखा है अभी बच्चे ने। यस, देखो यहाँ पे सिलिकॉन सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है भाई? आप देखो ना, जब हम लिखते हैं ना, तो बोरोन, ठीक है, फिर कौन सा आएगा? कार्बन, नेक्स्ट बेटा नाइट्रोजन फैमिली, नेक्स्ट ऑक्सीजन, नेक्स्ट हैलोजन, इसी तरीके से आता है। आप जरा पोजीशन भी देख लो एक बार, तो अभी आपको आइडिया बैठेगा कि कार्बन यहाँ पे है सर, नाइट्रोजन यहाँ पे है, और आपका जो फॉस्फोरस है वो इसके नीचे आता है, और सिलिकॉन की बेटा सिलिकॉन कार्बन के नीचे आएगा। तो आंसर तो पता चल गया ना, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? ऑब्वियसली सिलिकॉन का, हो गया ना? नीचे भी है और बच्चों आपके मतलब राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में, तो ऑब्वियसली साइज बड़ा ही होगा, राइट? तो यहाँ पे आपका सिलिकॉन सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर कौन आएगा? फास्फोरस, बिल्कुल सही। फिर कौन इससे छोटा आएगा? कार्बन, ओके, और सबसे छोटा होगा आपका नाइट्रोजन। क्या सभी का ये आंसर आया? चेक करो, हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको रैंडमली कोई चूज नहीं करना है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ यूनिवर्सल मेथड है, आपसे सही आंसर बनाएगा, ठीक है? बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बने नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस सल्फर, बताओ क्या ऑर्डर होगा, बताओ जल्दी से क्या ऑर्डर होना चाहिए यहाँ पे? आपको आप बिल्कुल वही सिक्वेंस फॉलो करना है जो मैंने आपको पढ़ाया था। आप लिख लो पहले बोरोन, सब पी ब्लॉक के एलिमेंट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, है ना? पोजीशन चेक कर लो, ऑक्सीजन तो पता चल गया सर, ऑक्सीजन तो यहाँ पे है, फॉस्फोरस पता नहीं चला मेरे को, ठीक है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन भी पता चल गया सर, देखो नाइट्रोजन यहाँ पे रहा, ये भी क्लियर हो गया, ये दो एलिमेंट कन्फर्म। फॉस्फोरस कहाँ पे आएगा? इसके नीचे, ये आ गया। सल्फर कहाँ पे आएगा बताओ बेटा? यस, क्लियर हो गया। अब देख लो आप, ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं बेटा? सेकेंड पीरियड से। ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? थर्ड पीरियड से। ऑब्वियसली साइज ग्रेटर, और सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा जल्दी बताओ मुझे, आपको देख के पता चल रहा होगा। एनी कन्फ्यूजन? फॉस्फोरस सबसे बड़ा, फिर छोटा कौन? सल्फर, इससे छोटा कौन? नाइट्रोजन, सबसे छोटा कौन? ऑक्सीजन। इतनी जल्दी पता चला, आप सिर्फ पीरियड टेबल को आप अरेंज करके देख लो एक बार अपने साइड में, रफ वर्क पे आंसर आपको मिल जाएगा, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटा क्वेश्चन को करने के साथ, है ना? अब बढ़ रहा होगा डेफिनेटली आपका। कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस
सल्फर एंड आपका सिलिकॉन। मैं सारी कैटेगरीज क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको बताइए क्या आंसर होगा। ये तो मैंने एक एलिमेंट और बढ़ा दिया, आसानी से क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, जल्दी आप बताओ। अब वही करो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, आप लिख लो इनको, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम जाएगा जाने दो, लेकिन फोर मार्क्स तो मिलेंगे ना, ये तो बच्चों एक अच्छी बात है ना, फोर मार्क्स मिलेंगे। कार्बन पता चल गया मुझे, नाइट्रोजन भी पता चल गया मेरे को, ठीक है। अब यहाँ से पता करना है, कार्बन पता चल गया, नाइट्रोजन भी पता चल गया, अब बोरॉन पता करना है, तो बोरॉन, ठीक है सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, कार्बन पता चला, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस निकलना पड़ेगा ना, कहाँ पे, यहाँ फॉस्फोरस आएगा, ठीक है। सल्फर यहाँ पे आएगा, सिलिकॉन बच्चों, यस यहाँ सेलिनियम होगा राइट, ऑक्सीजन के नीचे, हाँ तो आंसर भी आ गया, ओके विवेक का भी आंसर आया, गुड गुड बेटा। देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा फॉस्फोरस, फिर कौन, सल्फर, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, क्या ये आंसर आया सभी का, चेक कर लो, ये आंसर आएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है, इसको ट्राई करना, हो जाएगा बेटा, ठीक है, ट्राई योर सेल्फ, अच्छा क्वेश्चन है, सभी से बनेगा। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे यहीं पे, क्वेश्चन है बच्चों, सबसे छोटा साइज किसका होगा, मैं दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, सबसे छोटा साइज किसका होगा, आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, 1s2 2s2 2p1, नेक्स्ट में देता हूँ सी ऑप्शन इज 1s2 2s2 2p4 एंड डी ऑप्शन इज, आपको सिक्वेंस भी अरेंज कर दे रहे हैं, अगर पता चल जाएगा सब कुछ, यहाँ पे है आपका 1s2 नेक्स्ट इज 2s2 एंड 2p5, सॉल्व करो बेटा, सबसे आपका छोटा साइज, स्मॉलेस्ट साइज कौन सा होगा, सबसे छोटा साइज, यस आपको इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन दे रखा है उसने, एक स्टेप और ऊपर के लेके उसने दिया, तो आपको तो आप पता ही है ना इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन के बिना तो बाकी चीजें तो हम निकाल ही पाएंगे, बताओ, डी डी और डी कंपाउंड, बिल्कुल यस बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपको बिल्कुल सही पता चल रहा है बेटा, ये देखो एस, ये एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, सबसे बड़ा होगा ये पी ब्लॉक से, वन इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहीं ना कहीं बोरॉन फैमिली, पता होना चाहिए ना पूरा का पूरा, फिर कार्बन के, फिर क्या होता है बोरॉन में होता है ना NP1, NP2 होता है कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, वेरी इजी, बिल्कुल आसान, या फैमिलीज आपको पता चल रही है, ठीक है, और एलिमेंट्स भी पता चल जाएगा आपको यहीं से, अब निकालोगे तो आपका डी ऑप्शन जो आपने बोला एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है कि भाई इसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए, बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन से सबसे लेफ्ट मोस्ट जाएगा, बाकी आपको दिख रहा है 4, 2, 6 और 2, 8, आप एटम भी इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर लोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन्स, आप सीधा निकाल लोगे इसी के हेल्प से, जेड इफेक्टिव के बेस पे या ई बाई पी के बेस पे भी निकाल लो तो भी आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो बच्चा सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, ए का, उसके बाद कौन आना चाहिए, बी, फिर सी, फिर डी, सबसे छोटा साइज आपका डी का होगा, ये आंसर आया सभी का कि नहीं आया, बताओ बच्चों, करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, अब क्वेश्चन देता हूं उनको आप ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन 1s2 2s2, सेकेंड है 1s2 2s2 2p6 3s1, थर्ड ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, फोर्थ क्वेश्चन है मैंने दिया यहाँ पे आपको 1s2 2s2 2p6, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ठीक है, और इसको भी ट्राई करना, होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है, इसको ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, ओके, किसी बच्चे ने फोर्थ आंसर भी कर दिया है, ठीक है। मैंने पूछा है सबसे, मैं यहाँ पे बोल, मैं मुझे सबसे छोटा साइज किसका होगा, सबसे छोटा साइज किसका होगा, किसी ने फोर्थ बोल दिया है, आई थिंक इट इज रॉन्ग, गलत हो सकता है, चेक कर लेना क्यों गलत होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता भी है, इस बात को भी ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता भी है, ठीक है,
तो जरूरी नहीं कि ये पी सब सेल दिख जाए और आप इसको देखते ही टिक कर दो, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। टॉप टू बॉटम अगर आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट या फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है एस ब्लॉक का, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है पी ब्लॉक का, आप समझ सकते हो, आप बोलोगे पी ब्लॉक, ये गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना होगा बिल्कुल, ओके। इसलिए मैंने इसको होमवर्क दिया, अच्छे से रोक के आप ट्राई करना इसको, स्क्रीनशॉट लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, बाकी आप ठीक है ट्राई करना। एक क्वेश्चन मैं अपनी साइड से देता हूँ, पोटेशियम सोडियम आर्गन क्लोरीन फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है, इसका आपको एटॉमिक साइज का परफेक्ट ऑर्डर आपको करना है अरेंज, एटॉमिक साइज, ठीक है बच्चों। लगभग आपका यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है और अब बेटा हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एक क्वेश्चन है वैसे एम्स का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार, आप इसका भी आंसर निकाल लोगे। एक एम्स का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया कि मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ एटॉमिक साइज, मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ एटॉमिक साइज, भाई दो दो एलिमेंट्स के पेयर दे रखे हैं और आपको वो ऑप्शन चूज करना होगा जिस ऑप्शन के अंदर मैक्सिमम साइज आपका जो डिफरेंस है साइज का वो मिले। पहला पेयर दे रखा था लिथियम एंड सोडियम, सेकेंड पेयर दे रखा था सोडियम एंड पोटेशियम, थर्ड आपको दे रखा था रुबिडियम एंड सीजियम, और फोर्थ बंदे रखा था पोटेशियम एंड रुबिडियम, ठीक है। यस, होमवर्क ट्राई करना है इसको, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, जैसा डिस्कस करना है। इसका सही आंसर जो होगा बेटा वो होगा आपका सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी आप इसका रीजन भी देखना और इसको ट्राई करना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब चले हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, बिल्कुल। अब बच्चों लेते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग, हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड रेडियाई। तो काफी क्वेश्चन करने में टाइम गया है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा इससे, हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है। तो हाइड्रेटेड रेडियस बड़ा हैक थी एक्चुअली में, ठीक है ना, इसको समझने की हम लोग करेंगे कोशिश। तो देखो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, अभी टाइम है हमारे पास। जैसे बच्चों एक हमारे पास बीकर है, देखो पहले हाइड्रेशन का मतलब क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड, ठीक है, सॉल्वेंट से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे जो भी एक एलिमेंट है एटम है उसकी रेडियस के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक। आपको पता है कि यहाँ पे आपका लिक्विड है सॉल्वेंट, इट इज वाटर। वाटर बच्चों कैसा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक के अंदर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, कैसा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन चैप्टर बच्चों कहता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सॉल्वेंट के साथ पोलर सॉल्युटी डिजॉल्व करे, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ नॉन पोलर सॉल्युटी डिजॉल्व करते हैं। तो ये पोलर है, तो बच्चों मैं लेके आया यहाँ पे एक सॉल्ट NaCl टाइप, ये आपका सॉलिड है, मैंने इसको इसमें डाला, डालते ही बच्चों क्या होगा, ये आयंस की फेज में मिलेगा इसके अंदर Na+ एक्वस NaCl माइनस एक्वस, जिसको हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है, सोडियम प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, इसका एक्जेक्ट मीनिंग क्या है तो वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो सोडियम प्लस होगा वो तो कैटाइन है, और वाटर मॉलिक्यूल बच्चों क्या होता है, डाइपोल होता है, प्लस एन माइनस, डाइपोल की फेज में रिप्रेजेंट होता है भाई, एच प्लस OH माइनस होता है ना, एच प्लस OH माइनस, इसको हम डाइपोल बोल देते हैं, ठीक है, डिफरेंट पोल्स है अपोजिट साइड में। तो बेटा यहाँ पे जो सोडियम पॉजिटिव में होगा तो इसके आसपास क्या होगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों इकट्ठे हो जाएंगे इस तरीके से, समझ में आ रहा है सभी को, मतलब सोडियम प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस, इधर चार्ज कौन सा होगा, माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से यहाँ पे इसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। तो एक तो आपकी ये लेयर बनेगी फर्स्ट, जिसको बच्चों बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इनर हाइड्रेशन स्फीयर, दिस इज कॉल्ड इनर हाइड्रेशन स्पियर, इनर हाइड्रेशन स्पियर, ठीक है। अगर बच्चों सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, और चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, वही आपका चार्ज डिवाइड बाई और आपका साइज, ठीक है। अगर सोडियम के पास बच्चों चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है या मैक्सिमम होती है, तो उस केस में यहाँ पे आपके और वाटर मॉलिक्यूल्स भी अटैच हो सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, यस, कुछ इस तरीके से, मतलब जहां पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स का बच्चों ये रहा पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, इस तरीके से ये माइनस प्लस, इस तरीके से आपके फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एकोमेट हो जाएंगे, तो एक लेयर और बनेगी। इस लेयर को बच्चों बोलते हैं दिस इज कॉल्ड आउटर हाइड्रेशन स्फीयर, आउटर हाइड्रेशन स्फीयर, है ना। अगर इसके पास सोडियम और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी
तो इस तरीके से एक लेयर और बनती जाएगी। तो ये डिफरेंट लेयर्स आपकी बनती जाएंगी। तो एग्जैक्टली जब आप पानी के अंदर नमक को डालते हो तो वो नमक का सोडियम प्लस और सीएल माइनस आयन है वो इसी फेज में देखने को मिलेगा। ये तो हो गया सोडियम वाला फेज। नाउ कम्स क्लोरीन वाला फेज के अंश कैसा होगा, तो वो भी आसान है ना। क्लोरीन तो नेगेटिव है, वाटर मॉलिक्यूल तो आपका क्या होता है, डाइपोल होता है। तो उसका प्लस वाला सेक्शन इसके क्लोज होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये रेडियस इसके बाद आपकी नेक्स्ट रेडियस आप बना सकते हो। सपोज दिस इज कॉल्ड इनर हाइड्रेशन रेडियस, फिर आप एक बाहर भी यहाँ पे बना सकते हो इस तरीके से ज्वाइन करते हुए। इस बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको भी आप बना लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो Na प्लस और Cl माइनस एक्वस का मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता है, समझ में आ गया। अच्छा अब दूसरा पॉइंट कि बच्चों जो यहाँ पे रेडियस आपकी बनी थी कि बच्चों मान के चलो यहाँ पे आपका कैटाइन था, यहाँ पे आपका कैटाइन था Na प्लस, एक रेडियस ये हुई थी इनर, ये आपकी आउटर हुई थी। तो डिस्टेंस जब हम बात करते हैं ना पे कि हाइड्रेशन होने के बाद बच्चों डिफाइन होती है आपकी हाइड्रेशन रेडियाई, तो वो क्या होती है, तो मेरा ध्यान दो सोडियम प्लस से लेके और ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड हाइड्रेशन रेडियस, हाइड्रेशन रेडियाई हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी पे हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन, और आपको वहां पे हम डिस्कस करेंगे बेटा हाइड्रेशन नंबर क्या होता है, एज वेल एज हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, एज वेल एज आयोनिक मोबिलिटी क्या होती है, नेक्स्ट बच्चों लैटिस एनर्जी क्या होती है, ठीक है। क्या लैटिस एनर्जी के ज्यादा होने से कोई भी सॉल्यूट सॉल्युबल हो सकता है, क्या नहीं होगा, ठीक है। लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तभी आपकी किसी भी सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी। ये सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे आपका डेंसिटी भी हम लोग कल पढ़ेंगे, डेंसिटी का रिलेशन क्या है कि किसकी डेंसिटी मैक्सिमम है। तो कल आपका ये सेक्शन फिनिश होगा, तो बच्चों हम लोग फिर बात करेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी की, आयोनाइजेशन एनर्जी की, ये सेकंड कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन दिए हैं प्लीज उनको आप ट्राई करें।